अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बनाना टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत मज़े का ये केक बनकर तैयार होता है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत मज़े की है, तो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से स्पंजी बनाना केक बनाना शुरू करते हैं। बनाना टी केक बनाने के लिए मैं अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लूँगी। 3 अंडों का इस्तेमाल करेंगे टोटल, और सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। अभी जो सफ़ेदी हमने अलग की है, इसको एक बड़े बॉल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको बीट करना है। तो इसको हम अलग कर देंगे एक बड़े बॉल में, और जर्दी को भी हम एक साइड पे रखेंगे। तब तक हम मैदे वाला बैटर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बॉल में चीनी शामिल करेंगे, 3/4 कप के बराबर है, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 125 ग्राम्स हैं। चीनी को मैंने घर में ही ग्राइंड कर लिया था, और 125 ग्राम्स ही मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, और बटर भी शामिल कर सकते हैं। तो 125 ग्राम्स ही बटर शामिल कीजिएगा। इन दोनों को डालकर हम काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए चीनी का। यहाँ आप देख रहे हैं चीनी का कलर चेंज हो चुका है, वाइट कलर की हो चुकी है, काफ़ी अच्छी ये मिक्स हो चुकी है। तब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने जर्दी अलग करके रखी थी अंडे की, ये हम इसको बीट कर लेंगे काफ़ी अच्छा, और इससे चीनी वाले बैटर में पोर कर देंगे, मिक्स कर देंगे। चीनी को जर्दी के साथ हमने काफ़ी अच्छा मिक्स करना है, यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाए। तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा थिक बैटर ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैं इसमें 125 ग्राम्स ही इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी 3/4 कप इसमें मैदा शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों की मेजरिंग मैंने 3/4 कप रखी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इन दोनों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे, छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो मैदा और बेकिंग पाउडर काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाते हैं, छन जाते हैं, और दूसरा ये कि मैदे के जो लम्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं, और तीसरा ये कि मैदे में से एयर पास हो जाती है। तो इस तरह से बस मैदा डालने के बाद हम इस बैटर के साथ काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो हम इसके लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध को भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा दूध इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अंडे की सफ़ेदी हमने अलग करके रखी थी, इनको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लूँगी, और बिल्कुल फ्लफ़ी बैटर हमने इसका रेडी करना है। तो बस इसको हम बीट करते रहेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं, काफ़ी अच्छा बीट हो जाता है। मैं सारी कंडीशन आपको दिखाऊँगी। ये देखें काफ़ी अच्छा इस वक्त बीट हो चुका है, मिक्स हो चुका है।
जहाँ ये देख सकते हैं ये गिर नहीं रहा है इस तरह से उठाने से, तो बस इस तरह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, वो जो बैटर हमने अंडों की जर्दी वाला बैटर जो बना कर रखा था, शुगर वाला बैटर, उसके अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा करके पोर करते रहेंगे, डालते रहेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि इसके झाग जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर झाग इसके ख़त्म हो जाएंगे तो फ्लफी सा हमारा स्पंजी केक बनकर तैयार नहीं होगा। तो बस हल्के हाथों से इसको हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। या इस तक तमाम एग वाइट्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे फ्लफी सा बैटर बन गया आप देख रहे हैं। बस इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अब बनाना एसेंस शामिल करेंगे क्योंकि मैं बनाना केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं बनाना एसेंस शामिल करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला एसेंस शामिल कर दीजिएगा, मगर चूँकि मैं बनाना केक बना रही हूँ तो ये इसके लिए ज़रूरी है बनाना एसेंस डालना। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी डालकर हम काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको उस मोल्ड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमें केक बनाना है। तो आपने मोल्ड को भी क्या करना है, पहले से ग्रीस करके रख लेना है, उस पर बटर पेपर भी लगा लीजिएगा। उस तरह से क्या होता है कि केक आसानी के साथ निकल जाता है बटर पेपर की मदद से। तो तमाम बैटर हम इस मोल्ड में पोर कर देंगे। इसके अलावा आपने एक और काम भी करना है कि आप अगर देगची में बना रहे हैं इस केक को तो आप उसको पहले से गर्म करके रखना है। अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी आपने गर्म करके रखना है। मैं देगची में बना रही हूँ तो मैं 15 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। ये बैटर इस मोल्ड में पोर करने के बाद इसके तमाम बबल्स रिमूव कर देंगे। आप टैप कर लीजिएगा या किसी भी वुडन स्टिक के ज़रिए से भी आप इसके जो बबल्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी देगची में। मैंने देगची को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था। उसके बाद जब हम इस केक को इस देगची में रखेंगे तो हम उसके बाद आँच हल्की कर देंगे, स्लो आँच पर इसको 40 से 45 या 50 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। देगची में मैंने स्टोन्स लगाए हुए हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हीट सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है और काफ़ी अच्छा ऊपर से भी कलर आ जाता है। तो इसको आप ढककर रख देंगे 40 45 या 50 मिनट के लिए। इस तक एग्जैक्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, केक अभी थोड़ा सा कच्चा था सेंटर से, तो मैंने क्या किया 45 मिनट्स के बाद अब चेक कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा है केक बेक हो चुके हैं। सेंटर से चेक किया करें क्योंकि सेंटर वाला पार्ट देर से बेक होता है, काफ़ी अच्छा ऊपर से भी कलर आ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसके एजेस रिमूव कर रही हूँ मैं ताकि ये आसानी के साथ इस मोल्ड से निकल सके। तो बस इसको अब हम निकाल लेंगे यहाँ से मोल्ड से। आप देख रहे हैं माशाल्लाह नीचे से भी काफ़ी अच्छा बेक हुआ है। बटर पेपर रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद कुछ स्टेप्स हैं जिनके साथ हमने इसको गुजारना है। देख रहे हैं आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके लिए ग्लेज तैयार करेंगे। तो 3 टेबल स्पून शुगर जो कि मैंने घर में पीस ली है वो एक प्याले में हम शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें पानी भी रख देंगे, आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं बनाना चूँकि केक बना रही हूँ तो बनाना एसेंस शामिल करूँगी ग्लेज के लिए। तो 1/2 टीस्पून या कुछ ड्रॉप्स आपने इसमें शुगर में शामिल करनी है। थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन फूड कलर भी शामिल करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। मैंने चूंकि इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में रखना है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है। आपने दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी तो आप 1 टेबल स्पून पानी या दूध का शामिल कर लीजिएगा। तो अब इस तरह से पानी शामिल करने के बाद हम इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे, चीनी के लम्स ख़त्म कर लेंगे और केक के ऊपर हम इसको सब तरफ पोर कर देंगे। शुगर सिरप पोर करने से बनाना केक की जो मिठास थी वो उसमें इजाफा नहीं हुआ था बल्कि इसके फ्लेवर में इजाफा हो गया था। इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी मज़ेदार ये केक लग रहा था। तो आप देख रहे हैं मैंने सब तरफ काफ़ी अच्छे इसको पोर कर दिया, सब तरफ लगा दिया ग्लेज को। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ।
यहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, मेहमानों को फटाफट से बनाकर दे सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट में लाजमी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।